रिम ब्रेक वाले जो रोड बाइक्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं तो वैसे अगर एक रिम ब्रेक वाले रोड बाइक के बेनिफिट्स को अगर हम देखेंगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिम ब्रेक वाले रोड बाइक्स होते हैं उसका जो मेंटेनेंस होता है ब्रेक्स का वो बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है इन टर्म्स ऑफ अगर उसके आप पार्ट्स की बात करोगे यानी कि ब्रेक पैड्स तो रिम ब्रेक वाले रोड बाइक्स के जो ब्रेक पैड्स हैं ना वो आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं फिर चाहे डिफरेंट ब्रांड के हो या सेम ब्रांड के ही क्यों ना हो बहुत ईजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं उनकी जो कॉस्टिंग होती है उनका जो प्राइस होता है वो भी काफ़ी कम होता है कंपेयर टू अ डिस्क ब्रेक एंड वहीं पर जो रिम ब्रेक वाले रोड बाइक्स होते हैं ना वो कंपेयर टू डिस्क ब्रेक्स थोड़े से हल्के होते हैं बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं नंबर वन डिसएडवांटेज जो एक रिम ब्रेक का हो सकता है उसमें पहला तो ये है गाइस कि क्योंकि ये रिम ब्रेक है तो ये आपके रिम के साथ पूरा जो उसको फ्रिक्शन क्रिएट करता है ना इसके चलते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके रिम की क्वालिटी या फिर उसका जो ओवरऑल हेल्थ होता है या उसका जो ओवरऑल क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है सो so, इसके वजह से कई बार हो सकता है कि अगर रिम पूरा डैमेज हो जाए तो आपको रिम पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ रोड बाइक विद रिम ब्रेक्स कि ड्राई कंडीशन में तो जो रिम ब्रेक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बट जहाँ पे वेटर कंडीशन होती है ना या फिर ऑल वेदर कंडीशन हो वहाँ पे जो रिम ब्रेक्स हैं उनका स्टॉपिंग पावर उनका ब्रेकिंग पावर उतना ज़्यादा बेटर नहीं आता है थर्ड एक रिम ब्रेक का जो स्टॉपिंग पावर है वो कंपेयर टू डिस्क ब्रेक्स के मुकाबले थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम जरूर होता है एंड उसके ब्रेकिंग फोर्स को बढ़ाने के लिए आपको काफी ज्यादा लीवर को पुश करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टॉप योर सेल्फ नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी डिस्क ब्रेक रोड बाइक्स नाउ जो डिस्क ब्रेक रोड बाइक्स है ना गाइज ये करंटली मार्केट में अब भी कह सकते हो कि काफ़ी न्यूएस्ट एंट्री है न्यूएस्ट एंट्री भी बोला जाए तो काफ़ी टाइम इनको भी हो चुका है एंड इफ़ यू सी अभी मार्केट में आपको जितने भी मोस्ट एक्सपेंसिव रोड बाइक्स नजर आएंगी ना वो सारी डिस्क ब्रेक्स के साथ ही नजर आती है एंड डिस्क ब्रेक वाले रोड बाइक्स में आप देखोगे कि वन ऑफ द मेन थिंग जो कॉमन रहता है वो है या तो वो आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के साथ मिलती है या फिर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स में मिलती है जो मैकेनिकल वाले डिस्क ब्रेक्स के रोड बाइक हैं वो काफी एंट्री लेवल प्राइस एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस से आई थिंक चालीस हजार रुपए से वो स्टार्ट हो जाती है एंड वहीं पर जो हाइड्रोलिक वाले होते हैं उनकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट एक लाख चालीस एक लाख पचास या दो दो तीन तीन लाख के भी ऊपर जा सकती है बेस्ड ऑन दी कौन सा डिस्क ब्रेक का मॉडल आपको उस बाइक में मिल रहा है या फिर कौन सा ड्राइव ट्रेन कंप्लीट ग्रुप सेट आपको उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है ब्रांड के तरफ से डिस्क ब्रेक रोड बाइक्स में एक चीज और कॉमन है कि जो अच्छे क्वालिटी वाले डिस्क ब्रेक के रोड बाइक्स होते हैं उसमें आपको थ्रू एक्सल देखने को मिलता है वहीं पर जो अफोर्डेबल वाले होते हैं उसमें आपको क्विक रिलीज का सिस्टम नजर आता है नाउ डिस्क ब्रेक वाले रोड बाइक्स के एडवांटेज क्या है नंबर वन कि एक तो ये ऑल वेदर कंडीशन में फिर चाहे ड्राई वेदर हो वेट वेदर हो या फिर किसी भी तरीके का वेदर हो आपको स्टॉपिंग पावर हमेशा सबसे बेटर एक डिस्क ब्रेक वाला जो रोड बाइक है वो दे सकता है सेकंड एडवांटेज क्योंकि ये रिम के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करके आपको स्टॉप नहीं कर रहा है तो जो डिस्क का रोटर होता है वो काफी अच्छा स्टॉपिंग पावर आपको ओवरऑल देता है प्लस कल को अगर आपका डिस्क ब्रेक डैमेज भी हो जाए ना उसका रोटर तो उसको रिप्लेस करना एक रिम को रिप्लेस करने के मुकाबले काफी ज्यादा चीप होता है काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है एंड डिस्क ब्रेक्स में वन ऑफ द मेन थिंग ये भी है कि उनका स्टॉपिंग एंड उनका जो मॉड्यूलेशन है ना वो काफी अच्छा मिलता है मॉड्यूलेशन से हमारा मतलब यह है कि आप काफी हल्के हल्के टैप से भी अपने बाइक को रोक सकते हो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगा के बाइक को इमरजेंसी में स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज जो मैकेनिकल वाले ही क्यों ना हो एंड जो हाइड्रोलिक वाले ही क्यों ना हो हाइड्रोलिक वाले में तो ऑब्वियसली आपको हल्का सा टैप करना होता है वो क्विकली आपको स्टॉप कर देता है मैकेनिकल वाले में कंपेयर टू हाइड्रोलिक हल्का सा आपको पुश करना पड़ता है बट एज कंपेयर टू रिम ब्रेक्स काफी ज़्यादा कम पावर एंड मॉड्यूलेशन की जरूरत आपको पड़ती है अपने रोड बाइक को रोकने के लिए सो इन टर्म्स ऑफ रियली फास्टर राइड्स में आई वुड से कि डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा स्टॉपिंग पावर आपको दे सकता है एज कंपेयर टू रिम ब्रेक्स बट डिस्क ब्रेक के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो डिस्क ब्रेक है इसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यस yes, अगर आपने कहीं से भी थोड़ा बहुत इसको मिस कर दिया तो इसके मेंटेनेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंस है ना वो खर्च करना पड़ सकता है सेकेंड डिस्क ब्रेक के जो ब्रेक पैड्स होते हैं दे आर एज़ कम्पेयर टू रिम ब्रेक्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं रिम ब्रेक के जो ब्रेक पैड्स हो आपको 450, फिफ्टी फाइव हंड्रेड से स्टार्ट हो जाते हैं सो विच इज बेटर डिस्क ब्रेक्स और रिम ब्रेक वेल आई बिलीव कि एज अ राइडर आपका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके लिए डिस्क ब्रेक वाला रोड बाइक ज्यादा बेटर है या फिर रिम ब्रेक वाला रोड बाइक ज्यादा बेटर है इफ़ यू आर समन जिसको सुपर स्टॉपिंग पावर चाहिए एंड यू वॉन्ट की ऑल वेदर कंडीशन में आपको बेस्ट स्टॉपिंग पावर एंड कभी भी आपके ब्रेकिंग पावर से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो तो आपको डिस्क ब्रेक वाले रोड बाइक को ही परचेज करनी चाहिए बट इफ यू आर समवन जो चाहता है कि थोड़े लेस मेंटेनेंस वाले मेरे को रोड बाइक चाहिए थोड़ा सा लाइट वेट रोड बाइक होगा तो आपको रिम ब्रेक के तरफ ही जाना चाहिए बिकॉज रिम ब्रेक के रोड बाइक्स एज कंपेयर टू डिस्क ब्रेक रोड बाइक्स थोड़े से हल्के होते हैं नाउ पर्सनली आई ओन बोथ काइंड ऑफ रोड बाइक्स मेरे पास रिम ब्रेक वाली रोड बाइक भी है एंड मेरे पास डिस्क ब्रेक वाली रोड बाइक भी है एंड पर्सनली आई एंजॉय बोथ ऑफ देम बट येस आई हैव सीन दिस की जो रिम ब्रेक वाले रोड बाइक्स है ना उसका स्टॉपिंग पावर मेरे को कहीं ना कहीं पे मेरे डिस्क ब्रेक वाले रोड बाइक के मुकाबले कम लगता है

ऑलवेज गो फॉर दैट बाइक जिसमें आपको थ्रू एक्सल का ऑप्शन मिले बिकॉज अगर आप क्विक रिलीज वाले डिस्क ब्रेक के रोड बाइक को परचेज करते हो ना तो कभी अगर आपने अपने बाइक के रिम को निकाला या अपने व्हील सेट को निकाला तो वापस सेट करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है अपने डिस्क ब्रेक को अलाइन करने में कैलिपोर के साथ सो so अगर आप एक डिस्क ब्रेक वाले रोड बाइक को परचेज करते हो आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा पैसा सेव करके अच्छे ब्रांड में जाओ जहां पे आपको थ्रू एक्सेल के साथ ही डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा सके सो गाइज आई होप कि ये कंक्लूजन आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कई हद तक हेल्प आपकी कर सकता है अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा ऐसी और भी साइकिलिंग कंटेंट्स को देखने के लिए इफ यू हैव सम आइडियाज अगर आपको किसी चीज के लिए कंफ्यूजन दूर करनी है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो सी यू विद सम मोर अंटिल देन बाय बाय